ये देखो ये सारे हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ तो है ये पांच मगर और तीन है, आठ टोटल स्लीपिंग बैग्स है, सारे सामान है। ये है हमारा वो ट्रिपॉल सामान दिख रहा है आपको, तो सामान बहुत सारा है। वैसे जरा हमें कैमरा दो। तो ये है पूरी सेटअप, मेरा जो लैपटॉप का बैग होता है वो मैं हमेशा मेरे मेन सीट के नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी भी कार में काफ़ी सारे सामान है देखो, ठीक है, बस रेडी है सारा कुछ। यहाँ पे भी एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ है। So we are leaving Kolkata and we'll be leaving for Ladakh Leh early in the morning at approximately 5 in the morning. Okay. Tripol ache. चलो देखते हैं किस किस कैसे बांधना होता है। आज 16 सितंबर है, 7:13 हो रहा है, हम लोग निकल रहे हैं काफ़ी दूर लेह लद्दाख के लिए। अभी तो फिलहाल टारगेट है वाराणसी जाने का, वैसे हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि 5 बजे हम लोगों को जो है वो शेड्यूल टाइम था मगर वो हो नहीं पाया वैसे। सो दैट इज़ आवर टीम, माई सेल्फ सुदीप्तो, माई फ्रेंड कम टीचर शुभम एंड माई सिस्टर वाइफ मॉम एंड 3 kids, please say hi on the camera. Hello friends. और दोनों को थोड़ा मुंह दिखा दो भाई। Hello. और कोई पीछे है? ऋषि, रूपम, very nice. So wish us a very happy journey. हम लोग निकल रहे हैं। Bye bye. I'll see you in my way. আদার কার্ড এভরিবডি কিন্তু।
आवर फर्स्ट हॉल्ट एट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम एट आज़ाद हिंद ढाबा। यहाँ पे हम लोग अपना जो पूरी सब्जी जो लाए हुए हैं खाएंगे, चाय वाय थोड़ा पियेंगे, फिर पी के चलते बनेंगे फिर। सो दैट्स आज़ाद हिंद ढाबा, ऑथेंटिक पंजाबी फूड, गुड। काफी लेट से निकला हुआ है, अब क्या किया जाएगा। नींद तो पूरी हुई नहीं है मेरी, नींद हुई नहीं। 3.5 घंटा का बस सिर्फ थोड़ा सा बस एक नैप हुआ था, कभी होता नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं जब भी जाता हूँ ना, नींद तो आती नहीं है बस। चलो मैं ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करूँ। हम लोग ऑलरेडी झारखंड एंटर कर चुके हैं, कोई कोविड यहाँ पे चेकिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इट्स अ फ्री एंट्री फॉर एनीवन। मामा के बोले ताले तो भी खेलो उससे जगह अच्छी हो ना भाई जी, तो खेल नहीं दे। माइक तो हाई बोले दाओ। हाय जी हाय दा पर मैजिक कर लो। प्यारा रास्ता है, झारखंड से हम लोग अब पास कर रहे हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत ही मनोहारी
सुंदर, कितना प्यारा। रास्ते काफी सुधर चुका है झारखंड के, अब पता नहीं बिहार का जो रास्ता है वो काफी खराब हुआ करता है, पता नहीं अभी फिलहाल कितना बढ़िया हुआ है, तो जाके देखते हैं। चलिए हमारी जो जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और आगे जाके देखते हैं कि रास्ता का क्या हाल है। मेरी मम्मी जी बैठी हुई है, लाल पहाड़ी रिवे से जबी मैं मरुदर अदुर पबी एक बारे मनाई से नारे, लाल पहाड़ी रिवे से जा रंगा माटी रिवे से जा इतक तुझे मनाई से नारे, एक बारे मनाई से नारे। कतो सुंदर पहाड़ देखी एपार ओपार, झारखंड सत्यि खूब सुंदर एकदम नॉर्थ ईस्टर मतन, झारखंड सबसे सुंदर है। वाओ ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑन बोथ साइड्स, लिटिल स्मॉल माउंटेन्स। Clear sky, clear day. चलो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। जब भी पहाड़ देखता हूँ ना, कभी भी जब भी फर्स्ट साइट पहाड़ जब सामने देखने को मिलता है, दिल में एक अजीब सा एक करंट सा लगता है, अच्छा लगता है। First time, the first view of mountain is always so thrilling, man. पता नहीं आप लोगों को होता कि नहीं, मगर जब first time पहाड़ में देखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कभी भी घूमने के लिए आओ ना, तो सितंबर मंथ में हूँ। सितंबर मंथ में जो है कि बरसात बंद हो जाता है, फिर आगे आपको सिर्फ ग्रीनरी और ग्रीनरी ही दिखने वाला है और कलर्स भी काफी देखने को मिलता है। तो यही इसलिए हम लोगों ने टाइम सेट किया कि चलो ले लद्दाख इसी टाइम में जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो वी वर स्पेल बाउंड टू सी द कलर्स ऑफ माउंटेन्स चेंजिंग एंड द कलर्स ऑफ ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा कि चलो इस बार भी इसी मंथ में जाए। लास्ट टाइम सब कुछ बंद पड़ा था, पैंगोंग वैंगोंग सब कुछ बंद पड़ा था, तो थोड़ा हमको थोड़ा मायूसी हुई, तो सोचा कि नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे यहाँ पे अगर सब कुछ खुला तो। इस ईयर मैंने देखा कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स लोग जा रहे हैं, तो सोचा कि चलो थोड़ा लक फरमा लेते हैं, देखते हैं कि हमको भी क्या होता है सामने। अब तो जो होगा वो सामने ही पता चलेगा। सो लेट्स मूव ऑन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल झारखंड, ब्यूटीफुल। वाराणसी इज 372 किलोमीटर्स फ्रॉम नाउ फ्रॉम हियर। घर से ऑलरेडी हम लोग 315 किलोमीटर ड्राइव करते हुए पहुंच गए हैं। मैं बहुत ही जस्ट नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, तो ज्यादा स्पीड नहीं, बिल्कुल सिंपल ड्राइविंग। আইফোনটা কিনে নাও না, আইফোনের যা ক্যামেরা তো দিয়ে তুমি ব্লগিং ফ্লগিং সব করতে পারো।